बिलासपुर जिले में स्थित अचानक मार टाइगर रिजर्व इलाके से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। यहां के छपरवा रेंज के सांभर धसान के जंगल में कलहरपानी नाम की जगह में एक बाघिन घायल अवस्था में बीते 4 दिनों के आसपास घायल अवस्था में पड़ी हुई ग्रामीणों को नजर आ रहा था, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने अचानक मार टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को दी थी। बावजूद उसके 4 दिनों से घायल नजर आ रहे बाघिन को न तो ATR प्रशासन इलाज करा पा रहा था और न ही उसे सुरक्षित जगह पर ले जा रहा था। मामले की खबर जंगल से लेकर रायपुर के अधिकारियों के कानों तक पहुंची, जिसके बाद PCCF वाइल्ड लाइफ नरसिम्हा राव ने खुद जिम्मा संभाला। बीती शाम को PCC वाइल्ड लाइफ ने अपने साथ कान्हा केसली नेशनल पार्क के डॉक्टरों की टीम के साथ रायपुर जंगल सफारी और उदंती सीता नदी से एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम लेकर जंगल पहुंची, जिसके बाद आज तड़के सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बाघिन बेहद गंभीर रूप से घायल है, उसके पीठ और पैर में घाव के निशान पाए गए हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि घाव शिकार के दौरान या फिर शिकारियों के द्वारा मारने के लिए बिछाए गए कांटे की तार से हुआ हो। वो एक जगह पर स्थिर बैठी हुई है, चल फिर नहीं पा रही है, मतलब कुछ बीमार सी लग रही है। तो रेंज अफसर ने मुझे खबर किया, तो मैंने PCCF वाइल्ड लाइफ सर से भी बात की, तो वो भी रायपुर से भी आ गए। हमने डॉक्टर्स की टीम भी बुला ली थी, जंगल सफारी के डॉक्टर्स आए हुए हैं, इसके अलावा हमने कान्हा टाइगर रिजर्व के भी डॉक्टर को बुलाया था। तो डॉक्टर्स की टीम, एक हमारे पास भी डॉक्टर हैं डॉक्टर पूनम पटेल, ये तीनों की टीम ने आज उसका रेस्क्यू किया है। तो कुछ लोग बताया जा रहा है शिकार किया? नहीं 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 नहीं, उसके एक्चुअली घाव हो गया था, कुछ पुराना घाव था उसके बॉडी में, तो उसमें मैगट्स होते हैं जो मक्खियों के, मतलब जो उनके लार्वा वगैरह वो थे, वो सब साफ सफाई कर दिए हैं। लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना था कि अभी उसको जंगल में छोड़ना ठीक नहीं है, उसको कुछ दिनों तक किसी रेस्क्यू सेंटर में रख के उसका इलाज करा के बाद ही छोड़ना चाहिए। लोरमी विधायक का आदे उनका वो आरोप लग रहा है कि यहाँ पर आए दिन JCB से काम किया जा रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं शेर का शिकार भी किया जा रहा है। नहीं नहीं, देखिए JCB से जो काम किया जा रहा बोल रहे हैं, शासन की नीति चेंज हो गई, बेरोजगार इंजीनियर डिप्लोमाधारी और राजमिस्त्री से काम कराए जाने का निर्देश है, उसी के तहत हमने काम दिया हुआ है। सर, घायल बाघिन में जो घाव का निशान चोट बताया जा रहा है, ऐसा चोट अचानक उस पे आ जाना ये? नहीं, अचानक नहीं है, 15-20 दिन पहले का बता रहे हैं डॉक्टर, पुराना है, उस पे मक्खियाँ आ गई हैं। अब एक्चुअली वो चाट नहीं पा रही थी, इसलिए वो थोड़ी सुस्त हो गई थी। सर, 15-20 दिन पहले जानकारी हुई थी आप लोगों को? नहीं नहीं, 15-20 दिन पहले जानकारी नहीं हुई थी, डॉक्टर्स का कहना 15-20 दिन पहले का, हमको जानकारी तो कल ही हुई थी। अचानक मार टाइगर रिजर्व में आज मैंने भी सुना कि एक शेर घायल अवस्था में वहां पर मिला हुआ है। मैंने परसों ही एक बयान दिया था कि अचानक मार टाइगर रिजर्व के वन्य प्राणी भी सुरक्षित नहीं है और वनवासी भी सुरक्षित नहीं है, और ये सारा दोष वन विभाग के अधिकारियों का है, क्योंकि वन विभाग के अधिकारी न तो जंगल की सुरक्षा के लिए सचेत हैं और न ही वन्य प्राणियों और वनवासियों की सुविधा देने के लिए कोई काम करते हैं। जो भी फंड आता है करोड़ों रुपए का, उसे ये लोग मशीनों के माध्यम से काम करा के करोड़ों रुपए कमाई का जरिया बनाए हुए हैं अचानक मार टाइगर रिजर्व ATR को। ये अब ATR नहीं रह गया है, ये ATM मशीन बन चुका है वन विभाग के लोगों का, और ये तो होना ही था। वहां पर होली की एक रात पहले भी 3-3-4 चीतल को गोलियों से मार दिया गया, शेर घायल हो गया, 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते से उस शेर पता नहीं कब से पड़ा है। आखिर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी करते क्या है? सिर्फ वनवासियों को तंग करना और अपना अवैध कमाई का जरिया बना के रखे हुए हैं। मैं मांग करता हूं कि अचानक मार टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर से लेकर के रेंजर तक सारे लोगों को निलंबित कर देना चाहिए, कांड की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और जो मशीनें चल रही हैं उनको भी जब्त करके इसकी जांच बैठाई जानी चाहिए।